भारतीय स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। बुधवार को 69 किलो कैटेगरी के सेमीफाइनल में लवलीना को तुर्की की वर्ल्ड नंबर वन मुक्केबाज बुसेनाज सुरमेनेली ने 5-0 से शिकस्त दी। इसी के साथ लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मुक्केबाजी इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर बन गई है। पहले राउंड में लवलीना ने आक्रामक होकर खेलने की कोशिश की, लेकिन तुर्की मुक्केबाज का पलड़ा भारी रहा। इस दौरान लवलीना ने कुछ सॉलिड लेफ्ट और राइट अपर कट जड़े, वहीं सुरमेनेली ने भी कुछ सॉलिड पंच जड़े। पहले राउंड में पांचों जजों ने विपक्षी मुक्केबाज को बेहतर माना। दूसरे और तीसरे राउंड में भी तुर्की की मुक्केबाज का पलड़ा काफी भारी रहा। आक्रामक होकर खेलने की कोशिश में लवलीना को दूसरे राउंड में चेतावनी के तौर पर एक अंक भी गंवाना पड़ा। दूसरे और तीसरे राउंड में भी पांचों जजों ने बुसेनाज को ही बेहतर मुक्केबाज ठहराया। मैच में लवलीना को पहले और दूसरे जज ने 26-26 अंक दिए, जबकि बाकी तीन जजों ने 25 अंक दिए। वहीं बुसेनाज को पांचों जजों ने 30 अंक दिए। लवलीना ने मार्च 2020 में आयोजित एशिया ओसानिया ओलंपिक क्वालिफायर सेमीफाइनल में पहुंचकर टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया था। लवलीना ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में लवलीना चीनी मुक्केबाज होंग गू से हार गई थी, जिसके चलते उन्हें कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।